नमस्कार, सफ़रनामा के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिया कुमारी जी, जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में राजसमंद से, राजस्थान से, और हम जानते हैं कि उनके बहुत ही संघर्ष के साथ उन्होंने कैसे प्रयास किया है अपने प्रदेश के लिए और अपने लोगों के लिए। दिया कुमारी जी राजनीति में आने से पहले अपने ट्रस्ट और एनजीओ के माध्यम से उन्होंने शिक्षा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी काम किया है। एक सैनिक की बेटी होने के कारण शायद दिया कुमारी जी काफ़ी अनुशासित भी रही है। इसी का नतीजा है कि जब भी वो कोई काम लेती है तो अनुशासित ढंग से करती है। दिया कुमारी जी एक व्यवसायी भी हैं और उनकी सोच है गिव बैक टू सोसाइटी। आपने सही सुना, चिकित्सा हो या शिक्षा हो, खेल हो या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक परिवार के जैसे लंबे समय से काम करना, योगदान देना, यही उनका लक्ष्य है। अब जानते हैं दिया कुमारी जी से कि उनके व्यस्त समय के बावजूद वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा एक्टिव कैसे रहती है। 2013 और 18 के बीच में वो एक एमएलए के दौरान जनता को परिवार जैसे उन्होंने एक संबंध बनाया। 2019 में राजसमंद से जब वो संसदीय क्षेत्र में लड़ी और जीत के आई, यहाँ भी उन्होंने जनता को परिवार बनाए। दिया कुमारी जी, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लगता है कि जब एक सक्षम महिला एक एमएलए से सांसद बनती है और नेतृत्व करती है। आपका क्या रहा है सफर? क्या राजनीति हमेशा आपके लिए एक लक्ष्य था या एक ऐसा फोरम जहां आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए? जी, मेरे लिए मैं राजनीति में 2013 में आई। हमारे प्रधानमंत्री जी की सभा थी जयपुर में, उस समय मुझे पार्टी में लिया गया, मुझे याद है। जी, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि उन्होंने मुझे पार्टी में, उनकी सभा में मुझे पार्टी में लिया गया। और उससे पहले मैं समाज सेवा करती थी। हमारे ट्रस्ट हैं, मेरे स्कूल्स हैं दो जो मैंने शुरू किए जयपुर में, वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम करती थी। मेरा परिवार राजनीति में वैसे बहुत पहले तो था। गायत्री देवी जी जो मेरी दादी थी, वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल थी। बहुत कुछ उन्होंने किया, स्वतंत्र पार्टी से बहुमत से जीती, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट से जीती। मेरे पिताजी भी कुछ समय तक पॉलिटिक्स में थे, लेकिन उसके अलावा और कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी। ये मुझे लगता है अपने आप ही हुआ और बहुत जल्दी हुआ। और मुझे सवाई माधोपुर से विधायक का मैं चुनाव लड़ी जी। और उस समय मैं बहुत नर्वस भी थी कि जीतूंगी नहीं जीतूंगी। बिल्कुल अलग क्षेत्र था, वैसे क्षेत्र तो जयपुर से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे लिए एक चुनौती थी। लेकिन वहां मैं जीती और फिर मुझे सांसद का टिकट मिला। जी, आपको लगता है कि आपके पिताजी जो आर्मी में थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, ना सिर्फ राजनीति में, बट आई वुड से इन द आर्म्ड फोर्सेस टू, क्योंकि सभी ने पढ़ा है कि वो आमदनी भी नहीं लेते थे वहां से, और उन्होंने एक रुपया लिया क्योंकि उनको लेना ही था। और एक सैक्रिफाइस और बलिदान का जो एक वातावरण है, वो आपके परवरिश में आपने देखा। बिल्कुल, मेरे पिताजी जब 1971 वॉर थी इंडिया पाकिस्तान की, बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान था। वो छाछरों में जब अटैक हुआ, वो उसको लीड कर रहे थे और बिल्कुल वो साइलेंट ऑपरेशन था, और उन्होंने बहुत कामयाबी से उस ऑपरेशन को लीड किया और हम लोग बहुत अच्छे से, हमारा जो रिजल्ट आया बहुत अच्छा था, बहुत सक्सेसफुल था। और फिर उनको महावीर चक्र भी मिला। जी, पूरी तरह से वो आर्मी में, पूरी तरह से वो एक आर्मी मैन थे, घर में भी आर्मी मैन थे। इसीलिए मुझे लगता है जो भी कुछ डिसिप्लिन मेरे अंदर है वो उन्हीं से मैंने सीखा। बहुत हम्बल थे, हम्बल थे बिल्कुल, हर व्यक्ति के साथ वो बिल्कुल ऐसे ही रहते थे, जैसे कि ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ हूँ तुम नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो एक आर्मी मैन होता है, उनका जो सोच उनकी होती है बहुत अलग होती है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं उनकी बेटी थी, मैंने उनसे ये सब कुछ सीखा। क्या आपको लगता है कि ये जो आपका एनजीओ का रूट था, जहां आप, आपके सभी एनजीओस के साथ काम करते करते पॉलिटिक्स वाज द नेचुरल कंक्लूजन? हो सकता है, मैंने ऐसे सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने पहले मेरे दो स्कूल शुरू किए
उसके बाद मेरा जो फाउंडेशन है उसकी शुरुआत हुई जब मैं सवाई माधोपुर से एमएलए बनी, उस समय मैंने उसकी शुरुआत की, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आती थी कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमको चाहिए कि हम लोग कुछ घर में लेके आएं, हमारे पास अगर हमें रोज़गार हमारे पास होगा तो हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी घर में। बहुत कुछ पढ़ा है आपके परिवार और श्री कृष्ण का जो एक योगदान, तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन भाग्य जी, जहाँ मंदिरें भी बनी हैं, जहाँ हम जानते हैं कि कैसे रूप धारण हुआ है, आप इस इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे जो आप बात कर रहे हैं, हमारे जो आराध्य देव हैं गोविंद देव जी, उनको मेरे पूर्वज जय सिंह जी वो लेके आए थे जयपुर, वृंदावन से उनको लेके आए थे, वहां पर जब औरंगजेब के समय की बात है ये, वो सब मूर्तियां तोड़ रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे, ना सिर्फ मूर्तियां खत्म कर रहे थे, मंदिर भी। तो वहां वृंदावन का जो मंदिर है, वृंदावन में जो गोविंद देव जी का मंदिर है, वहां से वो गोविंद देव जी की मूर्ति लाए, और उस तब से लेके हम लोग उनको, हमारा जयपुर का राजा उनको मानते हैं, हम तो उनके सेवक हैं। दिया जी, आपका एक लंबा सफर रहा है एक एमएलए और फिर एक सांसद के रूप में। आपका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, 510 किलोमीटर। आप कैसे प्रवास करते हैं, कैसे मुद्दे उठाते हैं और कैसे लोगों तक पहुंचते हैं? जी बिल्कुल, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है बहुत लंबा है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है, और नागौर, अजमेर, पाली और राजसमंद। तो बिल्कुल, जब मैं यहाँ से सांसद बनी तो उस समय मुझे लगा कि एक चुनौती है, कैसे मैं सबके काम कर पाऊँगी, लोगों के बीच में, जनता के बीच में कैसे जा पाऊँगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मन बना लेते हैं तो ये एक चुनौती नहीं होती है, और वहाँ की जनता जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, और उन्होंने मुझे अपनाया, मुझे इतने अच्छे वोटों से संसद में पहुँचाया। तो मेरा ये कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनके काम करूँ, और मैं बहुत, मुझे लगता है कि हर विधानसभा में महीने में एक दो बार तो मैं जाती ही हूँ, 8 विधानसभाएं हैं, और जितना कुछ भी ऐसा कार्यक्रम होता है या कभी भी आवश्यकता होती है तो उनके बीच ही होती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। नया क्षेत्र था मेरे लिए क्योंकि मैं जयपुर से हूँ, इससे पहले मैं एमएलए थी सवाई माधोपुर से, जो कि भरतपुर संभाग में है, ईस्ट राजस्थान में जी। और अब जो मेरा क्षेत्र है वो बिल्कुल ऐसा क्षेत्र है जिसमें कुछ भाग मेवाड़ का है और कुछ भाग मारवाड़ का है जी। तो बहुत ही सौभाग्य है मेरा कि मुझे इस क्षेत्र का की सेवा करने का अवसर मिला। महाराणा प्रताप की भूमि है, मीरा भाई की भूमि है, पन्ना भाई की भूमि है, बहुत कम लोगों को ऐसे क्षेत्र का की सेवा, जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। पृथ्वीराज चौहान की भी भूमि है क्योंकि अजमेर का भी कुछ भाग। क्या आपको लगता है जात पात धर्म के ऊपर लोग वोट करते हैं या ज्यादातर राजपूत राजपूत के लिए ही वोट करते हैं आपके क्षेत्र में? जी नहीं, मुझे लगता है कि 2014 में जब चुनाव हुआ उस समय भी, और 2019 में, देखिए आप हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी लोकप्रियता पूरा, बिल्कुल बिल्कुल, हर प्रकार से हर व्यक्ति हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के काम से प्रभावित है, उनके विजन से प्रभावित है, जिस तरह से दिन रात एक करके वो एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं और डिलीवर किया है उन्होंने, मुझे लगता है कि मैं पूरा का पूरा मेरा श्रेय जीत का उनको दूंगी कि उनकी वजह से मैं जीती हूँ। जी, और आगे तो बिल्कुल जिस तरह से विकास के काम हुए हैं हमारी केंद्र सरकार ने लगातार योजनाओं के माध्यम से और हर प्रकार से हर क्षेत्र में काम किया। कौन से ऐसे योजनाएं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मुद्रा बैंकिंग हो, जनधन हो, वो डायरेक्टली लोगों को इम्पैक्ट करता है, लेकिन उज्ज्वला जैसे योजना भी है, आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, आप क्या कहेंगे कि टॉप 3 कौन से योजना है जिससे सही में आपके क्षेत्र के लोगों को फायदा हुआ है? बिल्कुल, मैं मानती हूँ किसान सम्मान निधि जो डायरेक्टली किसानों के खातों में पैसा जा रहा है, उनको बहुत उससे बेनिफिट मिला है, बहुत खुश है हमारे किसान, और जितनी महिलाओं और सभी जो योजनाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, क्योंकि अगर किसान को भी डायरेक्टली उनके खाते में पैसा जा रहा है तो उनके घर में जो महिला है वो खुश होती है कि डायरेक्टली पैसा आ रहा है। पहला ये समय होता था इससे पहले जो सरकारें थी वो उसमें से बहुत कम पैसा डायरेक्टली आता था, आधा तो बीच के लोग ही ले जाते थे पैसा। और उज्ज्वला योजना जैसे आपने बताया,
हमारे आवास योजना से इतने लोगों को मकान मिले हैं जो कभी वो सोच भी नहीं सकते थे जी। और जो जिस तरह से जो अंत्योदय का जो एक सपना है, एक मकसद है, एक विजन है भारतीय जनता पार्टी का कि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसको लाभ मिले, फायदा मिले, वो एक जो एक उससे जुड़े जिससे कि उसको हर प्रकार की सुविधा जो अमीर व्यक्ति को मिलती है वो उसको भी मिले, तो एक ये बहुत बड़ा एक इसी वजह है कि हर बार जब मोदी जी मैदान में आते हैं वो जीतते हैं और शायद एक विश्वास है कि वो कर दिखाएंगे और उसमें फायदा जो होता है आप जैसे सांसद को भी होता है। बिल्कुल निश्चित रूप से मोदी जी जिस तरह से काम करते हैं आज हमारा देश पूरे विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था है और अभी बहुत जल्दी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा बहुत जल्दी हम तीसरे नंबर पे भी पहुंचेंगे और मुझे लगता है बहुत जल्दी हम पूरे विश्व की सबसे मजबूत इकोनॉमी भी बनेंगे। और ना केवल वो, अब जो रिस्पेक्ट मिलता है, आदर सम्मान मिलता है हर व्यक्ति को क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना कुछ देश के लिए कर रहे हैं। और जब आप कहीं भी बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, वहां भी हर व्यक्ति को इतना मान सम्मान मिलता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और इसके पूरे देश में भी जिस तरह से विकास का काम हो रहा है कोई सोच भी नहीं सकता था। आप मुंबई से दिल्ली अब 12 घंटे में पहुंच सकते हो, एक्सप्रेसवे बना है, इतना बड़ा काम हुआ है, एयरपोर्ट्स बने हैं, रोड्स बने हैं, रेलवे स्टेशन में इतना काम हुआ है, नई रेलवे लाइनें बिछी हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, क्या नहीं हुआ हमारे देश में। दिया कुमारी जी, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी हमने देखा, हाल ही में फ्रांस हो या यूनाइटेड स्टेट्स, कोई भी ग्लोबल लीडर को इतना सम्मान नहीं मिला है। इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट ज़रूर होता है हर एक प्रदेश में। अभी आपके होम स्टेट राजस्थान में इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या है आपकी उम्मीद और क्या है आपका लक्ष्य और 2024 में भी राजस्थान का क्या योगदान रहेगा मोदी जी के नेतृत्व के प्रति? जी बिल्कुल, हमारे राजस्थान में चुनाव नवंबर में होने वाले हैं और पूरा हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने काम किया है, राजस्थान में भी काम किया है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है उसके बावजूद भी योजनाएं हर एक व्यक्ति तक पहुंची हैं। प्रयास बिल्कुल किया है कांग्रेस ने कि योजना हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचे और केंद्र सरकार की हर योजना का नाम बदल के उन्होंने कोशिश की है उसका श्रेय लेने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए हैं। और हर व्यक्ति जानता है कि मोदी जी ने जो किया है आगे भी करेंगे और अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी तो डबल इंजन की सरकार बनेगी और जो यूपी में जिस तरह से विकास हुआ है वो हर व्यक्ति राजस्थान में भी चाहता है। तो हमारी निश्चित रूप से सरकार बनना तय है और बहुत बड़े बहुमत से बनेगी और एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत है गहलोत जी के प्रति, गहलोत सरकार के प्रति, और जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, हर प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया राजस्थान में। राजस्थान को आज की तारीख में रेपिस्तान कहलाते हैं, बोला जाता है, कितनी शर्म की बात है। और वहीं पर केंद्र सरकार की योजनाएं और उनका काम दिखता है, काम बोलता है, डिलीवरेंस हुई है। तो इसलिए हम लोग सरकार बनाएंगे राजस्थान में और 2024 में भी हमारे सारे ही सांसद जीतेंगे और दोबारा मोदी जी को हम देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। और जिस तरह से काम हुआ है उसी गति से काम करें, देश की सेवा करें, हर व्यक्ति यही चाहता है। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे दिया कुमारी जी से, जानेंगे उनके राजनीतिक सफर के बारे में।
प्रिया कुमारी जी, समय का अभाव हमेशा होता है और राजनीति में बहुत। महिलाओं के लिए कितना कठिन होता है ये सभी क्षेत्र में काम करना, परिवार को संभालना, अपने एनजीओज को देखना और ये देखना कि आप अपने लिए भी कुछ करें, कैसे मैनेज करती हैं जी? मुझे लगता है अगर आप करना चाहें तो सब कुछ पॉसिबल है। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, महिला कर सकती है, महिला ही कर सकती है। महिला मल्टीटास्क भी बहुत अच्छी तरह से करती है, तो मुझे लगता है एक ये नेचुरल होता है, हर महिलाओं में होता है। तो बिल्कुल मेरे जो घर के सारे काम हैं, ट्रस्ट के काम या स्कूल्स के, उसमें मैंने अच्छे ऐसे लोग हैं मेरे पास जो अच्छा संभाल सकते हैं अगर मैं नहीं होती हूं तो जी। और मेरी माता जी भी हैं तो परिवार को भी वो बहुत अच्छे से देख लेती हैं जब मैं नहीं होती हूं। स्त्री शक्ति बिल्कुल। वैसे मेरे सारी ही संस्थाओं में ज़्यादातर महिलाएं हैं। अच्छा, मोर देन 50% मेरे जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, इवन मेरे पॉलिटिकल ऑफिस में महिलाएं ज़्यादा हैं। बहुत मुझे लगता है उनको अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। अगर आप अपॉर्चुनिटी दें तो बहुत डेडिकेशन से महिलाएं काम करती हैं। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और संसद में इतने सारे गंभीर मुद्दे को आपको उठाना भी पड़ता है, कभी कभार हम देखते हैं कि रुकावट की राजनीति होती है, आप कैसे अपना रिसर्च करते हैं और कौन से ऐसे मुद्दे आपने उठाए हैं जिसके बारे में हमारे सफरनामा के दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहेंगे ये मुद्दे? जी बिल्कुल, मेरे क्षेत्र के मुद्दे विशेषकर रेलवे लाइन से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको मैंने उठाया है संसद में और बहुत अच्छा परिणाम भी आया है अश्विनी वैष्णव जी के वजह से। बहुत पॉजिटिव उनका आउटलुक होता है। उन्होंने मावली से मारवाड़ वाली रेलवे लाइन जो 80 सालों से ये था कि होनी चाहिए, ये अभी भी नैरो गेज है, उन्होंने उसको सैंक्शन किया और बिल्कुल ब्रॉड गेज बनाया और बहुत बड़ा काम हुआ है। ये पूरे क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा इससे। बहुत सारी सड़कें हैं, महत्वपूर्ण सड़कें, नेशनल हाईवेज हैं जो सैंक्शन हुए हैं, गडकरी जी ने किए हैं। और हमारे तो प्रधानमंत्री जी अभी जब पधारे थे नाथद्वारा में, तब उन्होंने इन सभी चीज़ों का बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया था, लोकार्पण भी किया था। बहुत सारे काम हुए हैं। पानी की भी बहुत समस्या रहती है राजस्थान में, तो उसका भी बहुत अच्छा काम हुआ है। पानी की समस्या को लेके जल शक्ति मिशन भी तो काम करते आ रहा है। क्या आपको लगता है कि आते हुए दिन में राजस्थान में जहां पानी इतना बड़ा मुद्दा है, इस समस्या का समाधान होगा? देखिए, केंद्र सरकार और जल शक्ति मंत्रालय तो बहुत अच्छा काम कर रहा है अपनी ओर से, लेकिन जो राजस्थान सरकार है वो जो इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है, और ये क्योंकि ये ऐसी योजना है जिसमें स्टेट का भी कुछ भाग होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट ठीक से नहीं कर रहा है, विशेषकर राजस्थान में। वो नहीं चाहता कि हर घर शुद्ध साफ पानी मिले, अच्छा पानी मिले। वो हमारी राजस्थान सरकार इसको बिल्कुल बहुत ही धीमी गति से कर रही है, लेकिन केंद्र से ये योजना बहुत अच्छी तरीके से राजस्थान को मिली भी है, बहुत अच्छा पैसा राजस्थान को मिला भी है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो हमारी राज्य सरकार पूरी तरह से होने नहीं दे रही है। इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए राजस्थान में और ये हर घर तक जो पानी जो मिलना है, जो मोदी जी का सपना है, वो पूरा हो। युवा वर्ग और महिला जब कोई नेता या नेत्री को देखते हैं तो एक झिझक होता है, एक ऐसा अभाव है कि हम इस क्षेत्र में नहीं आए। आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे उन दर्शकों को जो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन झिझक रहे हैं? और मुझे लगता है कि अभी जो सुनहरा काल ये जो है हमारा, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो जब हैं तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नामुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। तो हम लोग अगर कोई भी यूथ अगर जुड़ना चाहे तो ये सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा अवसर है। आपको आना ही चाहिए राजनीति में और अपनी तरफ से आप जो भी आपका योगदान करना चाहते हैं आपको करना चाहिए। जब आप आपके क्षेत्र में नहीं हैं और एनजीओज में व्यस्त नहीं हैं, आप क्या करती है, आपके हॉबीज़ क्या हैं? जी अभी आजकल हॉबीज़ के लिए ज़्यादा समय मिलता नहीं है, लेकिन मुझे म्यूज़िक पसंद है, मुझे आर्ट भी पसंद है, पहले मैं पेंटिंग भी करती थी, और ट्रैवलिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। वो पोलो मेरे परिवार में है, सब लोग खेलते थे, लेकिन उसके लिए भी मुझे आजकल समय नहीं मिलता, ना तो मुझे मैचेस देखने का समय मिलता है, ना उसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने का। लेकिन जब समय मिलता है तो बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी समय बहुत ही कम मिलता है। जी,
आज रोजगार को लेके एक बहुत बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है। एक तरफ हम बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, एमएसएमईज की बात करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि भविष्य में भारत एक स्टार्टअप इकोनॉमी के रूप में आप जैसे क्षेत्र जो रूरल है वहाँ भी ये संभव है या फिर ये सिर्फ बोलने की बात है? नहीं नहीं बिल्कुल, स्टार्टअप्स इतने बड़े हैं हमारे देश में कि मुझे लगता है 2014 में 300-400 स्टार्टअप्स थे, आज अगर आप देखें तो 60,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं या उससे भी, अब हर रोज़ नए स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत इसमें बहुत ये खुशी की बात है कि लोग अपना खुद का कुछ ना कुछ शुरू कर सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आपने एमएसएमईज की बात की, उनको भी बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बहुत इजी लोन्स मिल रहे हैं। आप अपना कुछ भी शुरू करना चाहें तो आपको पूरी तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और योजनाएं इतनी सारी हैं, चाहे मुद्रा योजना की बात करें या किसी और योजना की बात करें, जिससे आप बहुत आसानी से अपना कुछ शुरू कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सभी आते हैं नागद्वारा, वहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए, और माइनिंग और मार्बल को भी लेके एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है वहाँ। क्या है विशेषता राजसमंद की? जी, राजसमंद महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है और वहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक कुंभलगढ़ किला है। एक तरफ मेरा वो एक क्षेत्र है, हल्दी घाटी है, तो बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है, टूरिज्म के लिहाज से बहुत कुछ संभावनाएं हैं वहाँ। नाथद्वारा है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पास में एकलिंग जी का मंदिर है, वो भी बहुत सभी लोग वहाँ पर दर्शन करने आते हैं। चारभुजा जी का मंदिर है, तो बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत ऐतिहासिक स्थल है, तो टूरिज्म के लिहाज से बहुत कुछ वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ और पोटेंशियल है। फिर हमारे माइनिंग इंडस्ट्री भी है, मार्बल इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट की ओर से बहुत उनको सुविधाएं मिली हैं और इन्हीं योजनाओं के माध्यम से उनको भी बहुत सपोर्ट मिला है कोविड के बाद विशेषकर। दूसरी ओर मेरे मेड़ता है, डेगाना है, वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, मीराबाई की जन्मभूमि भी वो है, वहाँ भी टूरिज़्म बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन एग्रीकल्चर भी वहाँ पर बहुत होता है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग उसी पर रिलाई करते हैं, एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा वहाँ पर इकोनॉमी है वहाँ के लोगों की, तो वहाँ पर भी बहुत कुछ उनको मिला है। किसान सम्मान निधि है, किसानों की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ वहाँ पर हर व्यक्ति को मिला भी है जी। लेकिन क्या आप मानते हैं कि G20 जैसे समिट जहाँ इतनी चर्चा हो रही है एनवायरनमेंट को लेके, ग्रीन ट्राइब्यूनल्स को भी लेके बहुत सारी प्रतिक्रिया आई है, वहाँ माइनिंग को लेके जो परिवर्तन लाने की आवश्यकता है पर्यावरण के लिए खास तौर से, इसमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, ऐसा है कि माइनिंग लीगली अगर कोई कर रहा है तो वो तो बिल्कुल सही है, कोई इलीगली कर रहा है तो वैसे भी वो अलाउड नहीं है और वो होता भी नहीं है। और G20 बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि हमें अध्यक्षता मिली है इस बार, और इसमें हर सेक्टर को जोड़ा गया है, टूरिज्म भी जुड़ा है, बिजनेस भी जुड़ा है, इन्वायरमेंट जैसे आपने कहा उसके बारे में भी चिंता करना है, हर व्यक्ति को चिंता करना चाहिए कि हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जितना हो सके अपनी ओर से हर व्यक्ति का ये कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं कर सकता, हमको अपनी तरफ से सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि हम लोग एनवायरनमेंट को और बिगाड़ रहे हैं या पल्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को भी ध्यान से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इनको कहाँ इस्टेब्लिश किया जाए या नहीं किया जाए। बिल्कुल, ये गंभीर विषय है और हर व्यक्ति का विषय है, क्योंकि हमारे पृथ्वी को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है जी। दिया कुमारी जी, बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे महिला जो घर भी बैठ सकती है, अपना राज भी कर सकती है, आप राजनीति में आए। जाते जाते आपका क्या संदेश रहेगा उन महिलाओं के लिए और उन युवाओं के लिए जो इस कार्यक्रम सफरनामा को देख रहे हैं और जो आपको सुन रहे हैं और जो आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल, मैं सभी को सबसे पहले तो शुभकामनाएं दूंगी कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं पूरे मन से करिए, आधे मन से कुछ नहीं करना चाहिए। जब आप किसी चीज़ में हैं, जैसे मैं अब राजनीति में हूँ, तो जब मैं शुरू में आई तब मेरे मन में संकोच था, उसके बाद जब मैं इसमें आ गई फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे आई हैव टू गिव इट माई बेस्ट जी। और मतलब टाइम के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना, आप जिसमें आ गए हैं उसको अपना 100% देना है, ये बहुत ज़रूरी है। और जिस काम को आप करें खुशी से करें, दुख से ना करें, ज़बरदस्ती ना करें, अपने मन से करें और फिर उसको 100% दीजिए, बिल्कुल कामयाब होंगे आप।
जैसे एक कहावत है कि नेशन सर्वप्रथम, यानी कि देश सर्वप्रथम, उसके बाद पार्टी और उसके बाद एक निजी इंडिविजुअल। शायद आप जैसे इंडिविजुअल्स की आवश्यकता है ताकि संसद की गरिमा बढ़े और ताकि भारत की जो ये लोकतंत्र, प्रजातंत्र की जो प्रथा है वो बढ़ते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपका। दिया कुमारी जी राजनीति में आई तो ज़रूर है, लेकिन इसके पहले उन्होंने अपने ट्रस्ट एनजीओज के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी में रोशनी फैलाई है। शिक्षा हो या महिलाओं को आत्मनिर्भर करना, ये ना सिर्फ एक लक्ष्य रहा है, एक मुहिम रहा है। ऐसे ही दिया कुमारी जैसी नेत्री हमसे मिलते रहेंगे इस कार्यक्रम में अगले हफ्ते। दूरदर्शन देखते रहिए। मैं हूँ शाइना एनसी।